गांव में एक कुत्ता रहता था। वह बहुत ही लालची था। वो पूरे गांव में घूमता और खाने की तलाश करता रहता, और बहुत ही लालची होने के कारण वो अन्य कुत्तों से दूर रहता था। पहले तो उसके उस गांव के कुत्ते के साथ अच्छी दोस्ती थी, फिर बाद में अपने इस लालची व्यवहार के कारण सब लोगों से उसकी दोस्ती टूट जाती है। वो बस अपने ही खाने के बारे में सोचता था, और उसे जितना भी मिलता वो उसे चट कर जाता था। उस गांव के रहने वाले सभी लोग उसको खाना देते और वो उसे अकेले ही खा जाता था, किसी के भी साथ अपना खाना नहीं बांटता था। एक दिन वो खाने की तलाश में कहीं जा रहा था, और तभी उसको अचानक एक हड्डी दिखाई दी और वो बहुत ही खुश हो गया। उसने सोचा, अगर ये हड्डी कोई देख लेगा तो मुझे उसके साथ हड्डी को शेयर करना पड़ेगा। पर वो इस अपने लालच की वजह से उस हड्डी को लेके दौड़ता हुआ जंगल की ओर चला गया, और वहाँ पे एक पुल के ऊपर से जाने लगा। जब वो पुल के ऊपर से जा रहा था, तभी उसकी नज़र पानी में पड़ी, और उसने पानी में देखा कि एक और कुत्ता मुंह में हड्डी दबाए हुए उसे देख रहा। उस दूसरे कुत्ते को पानी के अंदर देख के उसको अब बहुत ही गुस्सा आ रहा था, और वो ये सोचने लगा कि मेरे पास एक हड्डी है, अगर मैं इस कुत्ते को मार के इसकी ये दूसरी हड्डी भी ले लूँ तो फिर मेरे पास दो हड्डी हो जाएंगे, और मैं मज़े से अपना पेट भर करके खा पाऊँगा। वो बहुत ही लालची था, और अपने इसी लालची व्यवहार के कारण वो दो हड्डियों के बारे में सोचने लगा, और पानी के अंदर उस कुत्ते को देख के वो उसे उसकी हड्डी लेने के लिए भौंकने लगा। और जैसे ही उसने भौंकने के लिए अपना मुंह खोला, हड्डी जाके सीधे पानी में गिर गई। वह बहुत ही दुखी हो गया। उसने अपने लालच के कारण जो उसके पास भोजन था वो भी गवा दिया, और वहीं पे बैठ के अब अपने इस लालची स्वभाव के विषय में सोचने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए।